हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रिनो 11 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रिनो 11 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स को आप ब्लैक लिस्ट से रिमूव कैसे कर सकते हैं, नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से कैसे ऐड कर सकते हैं ओप्पो रिनो 11 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कैसे कर सकते हैं और कैसे आप ब्लैक लिस्ट से नंबर्स को हटा सकते हैं ओप्पो रिनो 11 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन सब हो जाएंगे। इसमें से आपके पास ऑप्शन आता है फोन आइकन्स पर जाकर जिस भी नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं और ब्लैक लिस्ट में भी सेट कर सकते हैं। सिंपली इस पर जाते हैं, नंबर्स को ब्लॉक करना है देख सकते हैं, तो इस पर चले जाना है, ब्लॉक नंबर्स पे क्लिक करना और इस तरीके से ब्लॉक करते ही नंबर आपके फ़ोन में ब्लॉक हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट में शो करेगा और कॉल्स भी इस नंबर्स पर नहीं आएगी। इस पर आप ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं और नंबर्स को ब्लैक लिस्ट में भी कर पाएंगे ओप्पो रिनो 11 5G फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं कि यहाँ से आप चेक करते हो, नंबर ब्लैक लिस्ट में शो करता है और आप देखते हैं यहाँ से भी नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, नंबर आपके ब्लैक लिस्ट में शो करेगा, आप इस तरीके से कर पाएंगे। और आप चाहें तो अननोन कॉल्स को भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट में भी शो कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं। सिंपली बस ऑन करना है, ऑन करते ही बस आप नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से करते हैं तो ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाएगा, इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, यहाँ से आप ब्लैक लिस्ट में कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।